अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में आज मैं ऑमलेट जो है वो बीफ सॉसेज का बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड का बेटा भी आया हुआ है, तो मैं उसके लिए भी, बच्चों के लिए जल्दी जल्दी मैंने कहा है कि मैं बनाऊँ, तो बहुत मज़ेदार बनता है ये। और इसको मैं फेंट लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। तो अब हमारा ऑयल तो हो गया गर्म, इसमें मैं डालूंगी बीफ सॉसेज। ये देखें, ऐसे बीफ सॉसेज डाल लें, बस सॉसेज डालें, अंदर सॉल्ट डालें, बहुत मज़े का ये बनता है और बच्चे बहुत लाइक करते हैं और हेल्दी भी है। तो हमारी तो रूटीन ऐसी शुरू होती है सुबह, आज हमारे संडे है, तो संडे जरा हम थोड़ा हैवी नाश्ता भी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे फिर पूरा वीक स्कूल जाते हैं, तो फिर वीकेंड में हमारा, मुझे ये होता है कि बच्चे कुछ अच्छा सा हैवी सा थोड़ा करें। और मैंने क्या किया, अंडे के अंदर मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक और ओरिगानो डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं बस इसको इसके ऊपर डाल दूँगी और इतना मज़ेदार ये बनेगा। और अगर आप चीज़ डालें, आप चीज़ डाल लें। ना ये है कि देखिए, आपने अंडे तो बनते ही हैं नाश्ते में, अगर अंडे को दो डिफरेंट डाल लें, कुछ मशरूम डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, कुछ ना कुछ डिफरेंट आप आराम से कर सकते हैं और बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। और साथ में क्या कर रही हूँ, तो मैं हैश ब्राउन लिए हैं, हैश ब्राउन को मैं एयर फ्रायर में डालूंगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल होता है, तो ये मैं डाल, ये इसको मैं हैश ब्राउन को डालती हूँ। और इसके साथ ही अब ये हमारे रेडी भी हो गए हैं, बस इसके अंदर हमने ऑमलेट डालना है। ये देखो, बस देख, ये ऑमलेट डाल दिया और ये हमारा रेडी हो गया। बस इसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ डालनी है। तो आज आप देखिए हमारी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन कैसी होती है। तो अब यहाँ हमारी इतनी कोई वो नहीं है, मेरी तो हमारी सिंपल सी रूटीन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा नाश्ता में कभी आप खुद अपनी मर्जी से कभी कुछ बना सकते हैं, कभी कुछ। और मैंने रात को बनाई थी तोरियाँ, और मैं खाऊंगी नान के साथ तोरियाँ, मैं तो नान के साथ तोरियाँ खाऊंगी और मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखें, ये मैं गरम करके नान के साथ मैं ये खाऊंगी, बच्चे ऑमलेट खाएंगे और हैश ब्राउन खाएंगे, तो और देखें क्या होता है। और यहाँ मेरी साथ चाय भी बन रही है, चाय बनती है उसके बाद मैं नाश्ता लगाती हूँ। और आज क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उसके घर बर्थडे भी है, मेरे उसके बेटे की है आज बर्थडे, तो वहाँ पे भी हमने जाना है, तो देखें आज हम किस तरह के कपड़े वहाँ पहन के जाते हैं। अभी कोई मैंने सोचा भी नहीं है, क्योंकि रात को वो हमारे घर ही थी और बड़ा हमने एंजॉय किया। वो तो चली गई, लेकिन उसका बेटा है हमारे पास ही है, मेरे पास था, क्योंकि ये मेरा बेटा और उसका बेटा एज फेलो है। तो खैर हम सब ने फिर बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पे ये है कि आपके अगर रिलेटिव वगैरह यहाँ पे कम ही होते हैं, तो अगर हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप वीकेंड में मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और देखें अब नाश्ता रेडी हो रहा है हमारा। अब ये देखें, बस इस पे मैंने डाल दी चीज़ डाल दी है, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा चीज़ से, बीफ भी है अंदर, चीज़ भी है, तो ये एक हेल्दी डाइट हो गई है बच्चों के लिए। कोशिश करें कि बच्चों को हेल्दी फूड जरूर दें, वो तो हमें होता है ना कि हाँ ये हम डाइटिंग करें, लेकिन ये देखें कोशिश करें कि अच्छी और हेल्दी डाइट दें, बच्चों को भी दें, खुद भी कोशिश करें। हम तो आपको मैंने बताया, यहाँ तो हमें खुद ही करना पड़ता है सारा काम, इसलिए हमें तो हेल्दी लेना पड़ता है। तो चलें जी, मैं टेबल लगा रही हूँ। अच्छा, तो मैंने ये लिए हैं पोसंस लिए हैं, अब इसको क्या करूँगी मैं, इसको काट के इस तरह, ये देखें इसको काट लिया, और इसके अंदर मैंने ये चीज़ ऑमलेट डाल दिया। देखें कितना ज़बरदस्त, देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त है। बस अच्छा, मेरा तोरियां खाने को दिल कर रहा था, बहुत मज़े की थी, लेकिन इसको देख के मेरा भी मूड चेंज हो गया, तो मैंने कहा क्यों ना हम भी क्रोसन्स लेके आए, थोड़ा सा सेट ही सही, लेकिन मूड चेंज हो गया कि यही खा लेते हैं। तो बहुत मज़ेदार, ये देखें शक्ल,
अब आप चाहे तो सैलेड भी डालें, जो भी डालें, मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं डालूंगी, मुझे ये वैसे ही मजे का लगता है। तो ये देखें आराम से हमें चाय भी ला रही हूँ, बच्चे भी आ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं हम। और ये फ्लावर्स मैं कल लेके आई थी, आज मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान से, उनका भी वेट हो रहा है। तो वो तो खैर लेट नाइट पहुँचेंगे, तकरीबन 12-1 बजे पहुँचेंगे, वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो आज मेरे दोस्त की, मैंने आपको बताया, बर्थडे, हम उसके लिए अब तैयार हो गए, क्लीनिंग मैंने सारी कर ली है। और इसके अलावा मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाऊंगी, तो आपने हमारे साथ रहना है। तो जी मेरे बेटे का, हम जो है मेरे बेटे का फ्रेंड आ चुके हैं और वो बताएंगे कैसा है। थम अप करेंगे, थम डाउन कीजिएगा। नहीं, आप सच्ची बताइएगा, मेरे मुंह पर ही तारीफ करनी, सच बताओ मुझे, बहुत तो बढ़िया है। मजे क्या है। ओ रियली, ते तुसी भी मुंह छुपाया है, तुसी भी दस दो, ए तुसी भी दस दो, नाराज मैंने हो, भी खाया नहीं ये। तो नाराज फ्रेंड तो आए हो। तो वहाँ देखे बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो आज जो है वो बर्थडे है मुश्तबा की, तो हमने जी इसी सारे शलवारी कमीजें पहन रहे हैं, बच्चे भी और खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मैमे के साथ। तो जी वो चीज़ है ये मैं लेके आई हूँ अपने फ्लोर क्लीनिंग के लिए। कारपेट कोई भी हो, उस इसने कर देना है उसको जबरदस्त क्लीन। तो किस तरह क्लीन करेगा, क्या करेगा, ये सारा मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी और इसकी पूरी मैं ओपनिंग करूंगी, तो वो आप देखिएगा। तो मैंने आपको दिखाना था कि ये देखें कितनी जबरदस्त चीज है। मैंने सुना है मेडिकल है इसका, जो इसके कमेंट्स हैं उसमें मैंने देखा है कि ये जादू की तरह करता है काम। तो मैं देखूंगी जादू की तरह करता है या नहीं करता, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब हम सब तैयार हो रहे हैं, अपनी फ्रेंड की तरफ जा रहे हैं और वहां पे हम क्या करते हैं, आपने हमारे साथ रहना है। तो हम दोनों के आउटफिट ये हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर और वहां दिखाएंगे बाकियों के आउटफिट क्या होंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और कैसा लग रहा है आपको जरूर बताइएगा। बहुत कंफर्टेबल है ये शर्ट और सिंधी है कल्चर की है, मेरे पाकिस्तानी कल्चर की है। तो बताइएगा जरूर कैसी लगी है। अब हम जा रहे हैं बर्थडे पे, देखते हैं क्या क्या होता है वहां पे, आपने हमारे साथ रहना है। जबरदस्त वाओ जबरदस्त। फिर सारा केला बनाया, इतने जबरदस्त खाने हैं, मजेदार। जबरदस्त चाय और साथ केक, मजेदार। अब हम चाय और केक खाने लगे हैं, मजेदार। तो अभी अभी फ्रेश फ्रेश आटा गूंदा है और अंदर नमक भी डाला है, और फिर जब नमक डाल के अंदर आप पराठा के बनाए ना क्रिस्पी वाला, तो बहुत मजे का लगता है। मुझे लग रहा है आपको इसके नजर आ रहा होगा क्रिस्पी बन के, देखे तो ये बड़ा मजा। ये कुछ भी ना हो सिर्फ आप चाय के साथ ही खा लें, लेकिन मैं इसने मुझे कहा कि अम्मा अंडा फ्राई करें। तो आप देखें रात को हम नाश्ते की तरह ही समझे खा रहे हैं। तो बड़ा मजा आया आज मेरी दोस्त के घर, बड़े अच्छे खाने बनाए थे उसने, बहुत जबरदस्त मैक्रोनी लजानिया और दही भल्ले तो कमाल बनाए थे, और शाशलिक बनाया था, चिकन शाशलिक बनाया था, और काफी कुछ बनाया हुआ था माशाल्लाह से, बड़ा मजेदार। रिफो तूने खाना बड़ा मजेदार बनाया है। अलबत्ता मुश्तबा को, इर्जा को तो आके फिर भूख लग गई है। तो ये हमारा पराठा रेडी हो गया। तो अब यहाँ पे रात के तकरीबन 8 बज गए। अब इसके बाद मैं बना अपनी चाय लेके साथ, फिर जो मेकअप शेकअप किया है वो उतारना है, अपना मुंह चेहरा साफ करेंगे। तो जी अब मैं अंडा फ्राई करने लगी हूँ।
अंडा अपने बेटे के लिए फ्राई कर रही हूँ। तो आप बताएं, आपने कभी रात को इस तरह किया है पराठे अंडे रात को? तो जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि हम तो इस टाइम हमारा कोई पता नहीं होता, रात को अंडा टोस्ट खाने लग जाते हैं। बच्चे हैं ना, बच्चे बस कभी कहते हैं कि इस तरह अम्मा बस अंडा पराठा दे दें, ये दे दें, वो दे दें। तो अब वो मेरे बेटे को बस अंडा मैं फ्राई कर रही हूँ उसके लिए। और जी, हमारे हस्बैंड काफ़ी चीज़ें लेके आए, मेरे कपड़े वगैरह हर चीज़ आ गई है, ये देखें। तो अभी ये मैंने सारा इंशाल्लाह सुबह करूँगी इसको सारा सही तरह। तो आज का मैंने आपसे मॉर्निंग टू नाइट शेयर किया है, हमारी ऐसे ही आज सिंपल मॉर्निंग टू नाइट थी। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।